जहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, उनके एमएलए सब जीत के आ रहे बार बार, कोई भी जितना भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश किया हराने के लिए मगर नहीं हो सका। वो चुनाव के समय पर कोशिश किए, पर चुनाव खत्म होते ही मैं सोचा भाई हैदराबाद शहर को हम दूसरी एक लेवल पे डेवलप करना है, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और एमआईएम को साथ में लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश किए, इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी जी को मेरे साथ में, मैं लंदन टेम रिवर को देखने के लिए साथ में लेकर गए, हम साथ में गए क्योंकि मेरे से ज़्यादा जानकारी उनको है। मेरा दोस्त अकबर भाई के बेटी वहीं बारिस्टर पढ़ रहे जहाँ पर हमारे असद साहब ने पढ़ा है, और दो उनके परिवार में दूसरे बारिस्टर अभी बना रहे। असद साहब बारिस्टर पढ़ के अभी पूरा हिंदुस्तान में नाम कमाए, आप लोगों के तरफ से आवाज़ उठा रहे लोकसभा में, ऐसा गिन सकते आवाज उठाने वाले उसमें से असद साहब एक है। ये एमआईएम के लिए नहीं तो कुछ माइनॉरिटी के लिए नहीं, 140 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में सबके तरफ से वो आवाज उठा रहे पार्लियामेंट में, तो इसीलिए कभी भी अगर राजनीति पॉलिटिक्स जब चुनाव है, हमारे हिसाब से हम चुनाव लड़ते, हमारे एक बार चुनाव खत्म होते अपने शहर का ध्यान देने का जरूरी है। इसीलिए आज बहुत साल से जिस दिन डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जीता तब मेट्रो रेल के शुरुआत किए, मर गौलीगुड़ा से लेकर फलकनामा तक 5.5 किलोमीटर जो काम पेंडिंग था उसी वक्त मंजूर हुए थे, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसीलिए वो मैं अभी काम के लिए ले लिए। और पिछले सरकार ने हाईटेक सिटी से लेकर पूरा आउटर रिंग रोड से एयरपोर्ट को ले जाने के लिए कोशिश की है मेट्रो, मैं सोचा भाई जुबली बंजार हिल्स में से कोई भी हमारे परिवार के साथ कोई भी एयरपोर्ट जा रहे बोले तो ड्राइवर भी साथ में नहीं आते, गाड़ी में जाते, गाड़ी वहाँ छोड़ के फिर बाहर जा रहे, फिर अगले हफ्ते वापस आके फिर गाड़ी लेके वापस आ रहे, मगर जुबली बस स्टैंड से लेकर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से लेकर नामपल्ली रेलवे स्टेशन, काचगुड़ा रेलवे स्टेशन, गौलीगुड़ा, फलकनामा, यहाँ से कोई भी गल्फ कंट्री जा रहे और कहीं जा रहे बोले तो एक जा रहा बोले तो उनका पूरा परिवार 20-25-40-50 लोग उसको छोड़ने के लिए वहां पर जा रहे, ये लोग टैक्सी में नहीं तो बड़ा बड़ा गाड़ी में जाने वाले नहीं है। इन लोगों को जरूरत है मेट्रो रेल का, गरीब लोगों को जरूरत है एयरपोर्ट में जाने का। इसीलिए मैं उप्पल से लेके नागोल से लेके एलबी नगर तक, एलबी नगर से लेके ओवैसी हॉस्पिटल, वहां से चंद्रानगुट्टा, चंद्रानगुट्टा से लेकर मैलारदेवरपल्ली।